तो मेरा नाम शिवंश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्सिंग को। तो आज हमारे पास ये गाड़ी आई है ईको, जो कि स्टार्टिंग ट्रबल है, स्टार्ट नहीं हो रही है। सीएनजी गाड़ी आई है, आप देख सकते हैं। सर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो डायग्नोस किया गया है। तो इसका था काउंटर बॉक्स असेंबली होती है इसे, जहाँ से गैस फिल करते हैं। तो इसके स्विच में प्रॉब्लम थी, उसको हमने खोल के देखा गया। इसको निकालने के लिए पहले हमने सीट बेल्ट निकाली है, और ये हमारा सीट थी, सीट भी हटाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारे काउंटर बॉक्स असेंबली का ये वायर है जो कि निकला हुआ था, जिसके कारण ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इसका ये लॉक होता है, इसमें ये दो, इसमें ये जाके फिट हो जाना चाहिए था। तो इसमें क्या है, जब ये लॉक है और ये यहाँ पे ये जो स्विच है देख सकते हैं, ये वाली ये स्विच होकर ये जैसे दबती है, तो ये मैं निकल आ रहा, जैसे मैंने अभी ये दबाया तो ये बाहर की ओर, आप देख सकते हैं निकल आया है। मैं इसे फिट करूँगा, जब मैं यहाँ से ये स्विच दबाऊंगा तो ये निकल आ रहा है, जिसके कारण से ये गाड़ी स्टार्टिंग होने में प्रॉब्लम कर रही है सीएनजी में। तो इसका सिंपल ये है कि इसे चेंज करें, मारुति के नॉर्म से देखेंगे तो ये पार्ट अगर डिफेक्टिव है, दिक्कत कर रहा है, इसे हम चेंज करेंगे, या फिर ना जुगाड़ इसे फेविक्विक से जोड़ सकते हैं तो उससे ये चलेगा। और ये आप देख सकते हैं 33 नंबर है ये पार्ट, और इसका नाम है काउंटर बॉक्स असेंबली। तो जैसे ये कपलर हम लगाएंगे, उसके बाद अगर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है, तो इसके कारण हमारी ये ईको गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।